हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये है सावन का महीना और सावन के महीने में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। हमारे हिमाचल में तो जो भी सुहागनें औरतें होती हैं वो इस महीने में मेहंदी ज़रूर लगाती हैं और लड़कियां भी लगाती हैं साथ में। सुहागनें तो ज़रूर ही लगाती हैं और हरी चूड़ियाँ डालना भी शुभ माना जाता है। और तीसरा झूला झूलना, ये तीन काम जो हैं सावन के महीने में करना शुभ माना जाता है। तो देखते हैं कैसा डिज़ाइन बनता है आगे। आप जो है वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, छोटा सा ही वीडियो है 3-4 मिनट का, तो ज़रूर इसको पूरा एंड तक देखना। आगे जो है मैंने 2 रेसिपी शेयर किए हैं, आधा जो है मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। मैं जब भी मेरे पास जो है कॉर्न होती है तो मैं ज़रूर मेहंदी लगाती हूँ। मेरे को वैसे भी बहुत चाव है नए नए डिज़ाइन बनाने का, मेहंदी लगाने का, तो ये तो मेरा चला ही रहता है। लेकिन अभी तो सावन का महीना चला था तो लगाना ज़रूरी है। दूसरी बार लगा रही हूँ इस महीने में भी। मैं एक ही हाथ में लगाई थी दोनों साइड पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा डिज़ाइन लगा आपको ये। और ये लाए थे हम नया गैस चूल्हा, 3 बर्नल वाला है, तो मैंने बोला आपको भी दिखाती हूँ। अब नई चीज़ जो है घर पे आई है तो मीठा बनाना तो बनता है, तो मैं बना रही थी ब्रेड की एक रेसिपी। खुशी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, खुशियाँ मनाने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। मैंने जो है इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था एक साइड गर्म होने के लिए, और एक साइड मैं बना रही हूँ चाशनी। और इसमें डालूँगी चाशनी में मैं इलायची, इलायची से जो है इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। ब्रेड स्लाइसेस को मैंने 4 पीसेस में कट किया था और इसको जो है अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये चाशनी में घुल जाएगा। ये ब्रेड की मिठाई जो है बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं भी फर्स्ट बार ही बना रही थी तो बहुत टेस्टी बनी थी। और ये मैंने चाशनी में जो है थोड़ा सा मिल्क मेड डाला था। जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे तो इनको जो है 1 by 1 हम जो है इसमें डिप करेंगे, और ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे पास थे बादाम तो मैंने बादाम ही डाले हैं। आप जो है इसमें गरी कुकदुकस करके भी डाल सकते हो। ये वीडियो जो है दूसरे दिन का है, सुबह का है। इसमें जो है मैंने नाश्ते में बनाए थे चुकंदर के, चुकंदर प्याज और गोभी के परांठे। बच्चे ऐसे तो चुकंदर खाते नहीं हैं, तो चलो परांठों में खा ही लेंगे। परांठे उनको बहुत पसंद है, बच्चों को मैक्सिमम जो परांठे पसंद होते हैं, तो ऐसे करके जो है चुकंदर खा लेंगे। वो चुकंदर में आप जानते हैं इनके क्या क्या इसकी खूबियाँ होती हैं। इसमें जो है मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। इनमें जो मैंने रेगुलर मसाले ही डाले थे परांठों में। अगर आपको जो है मेरे ब्लॉग्स वीडियो में कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कर